आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC में निम्न में से कौन सी राशि त्रिभुज के क्षेत्रफल को निरूपित करती है। तो यहाँ से हमें चार विकल्प दिए गए और हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले यदि हम पहले विकल्प पर यदि चर्चा करते हैं तो यहाँ से हम साइन का नियम लिखते हैं। ज्या नियम हमें क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ABC है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a बट्टे साइन ए बराबर आता है b बट्टे साइन b के, जो कि बराबर आता है c बट्टे साइन c के। यह हमारे पास पूरा बराबर होता 2r के। तो यदि हम यहाँ से इसे सरल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास a बराबर क्या लिखा जा सकता है, a बराबर लिखा जा सकता है 2r sin a। ठीक इसी प्रकार b बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है 2r sin b। तो हम पहले विकल्प से यदि चर्चा करें, पहले विकल्प में हमें दिया गया a² - b² / 2 sin a sin b / sin a - b। तो यहाँ से यदि हम इसमें मान रखते हैं तो हमारे पास राशि है a² - b², तो a² - b² यहाँ से लिखा जा सकता है a² - b² / यहाँ से है हमारे पास प्रश्न में 2 और sin a sin b गुणा बट्टे sin a - b। तो यदि हम यहाँ से इसमें मान रखते हैं तो इसमें मान रखने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4r² sin² a - 4r² sin² b बट्टे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2 को हम आगे लिख लेते हैं और sin a sin b। तो यह आ जाएगा sin a sin b बट्टे है हमारे पास sin a - b। अब यदि यहाँ से हम सरल करते हैं तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने से 4 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2। साथ ही r² भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा और यह लिखा जा सकता है sin² a - sin² b। और हम जानते हैं sin² a - sin² b हम किसे लिख सकते हैं, sin a - b गुणा sin a + b को। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं sin a - b गुणा sin a + b, यह आ जाएगा। और यहाँ से हमने दूसरा पद लिख देना सीधे का सीधे, जो कि है sin a sin b, यहाँ से sin है बट्टे sin a - b है। तो यहाँ से sin a - b से sin a - b कट जाएगा और यह हमारे पास बराबर आ जाएगा 2r² sin a + b और sin a sin b। अब हम जानते हैं हमारे पास त्रिभुज दिए गए हैं, तो त्रिभुज यदि दिया गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग a + b + c = 180 अर्थात पाई होता है। तो यहाँ से यदि a + b हम लिखना चाहें तो a + b हमारे पास लिखा जा सकता है π - c। तो यदि हम यहाँ से निकालें sin a + b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, sin π - c, और sin π - c को हम क्या लिख सकते हैं, sin c के बराबर। तो यह हमारे पास बराबर आ गया sin c के। तो यहाँ से यदि हम मान रखते हैं तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, 2r² sin a + b को लिखा जा सकता है sin c। तो यह आ गया sin a sin b और sin c। और यदि हम यहाँ से मान रखते हैं तो यहाँ से a का जगह हम क्या रख सकते हैं, हमने यदि यहाँ से सरल किया है तो a बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, 2r/a, और sin b बराबर लिखा जा सकता है b/2r। यहाँ से हमारे पास आएगा a/2r और b/2r। a और b के स्थान पर हम मान रख देंगे तो यह आ जाएगा 2r² और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a/sin c को, तो sin c रहने देते हैं और यह आ जाएगा a/2r और यह लिखा जा सकता है b/2r। तो 2 से 2 कट गया, r² से ये दोनों r कट जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास सरल होके मान क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ से यह 2 रह गया ab sin c, जो कि हमारे पास क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमें यही पूछा गया इसमें से कौन सा त्रिभुज का एक क्षेत्रफल है। तो यहाँ से हमारा विकल्प ए एक सही विकल्प है। अब बाकी विकल्पों पर हम चर्चा करते हैं। दूसरे विकल्प में दिया गया है r1 r2 r3 √ σr1 r2। तो यहाँ से यदि हम दूसरे विकल्प पर चर्चा शुरू करें, दूसरे विकल्प में दिया गया है r1 √ σr1 r2 है। तो यदि हम इसे सरल करें तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है। तो यहाँ से पहले हम सरल करेंगे r1 r2 r3 को। तो r1 r2 r3 हमारे पास यहाँ से क्या लिखे जा सकते हैं, Δ/S-A गुणा Δ/S-B गुणा Δ/S-C आएगा यहाँ से। तो यदि हम इसे सरल करते हैं तो डेल्टा को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है Δ³ हो जाएगी, Δ³ आ गई और यहाँ से गुणा। तो यदि हम यहाँ से इसे s से गुणा कर दें, s से भाग दे दें तो कोई फर्क नहीं आएगा। यदि s से गुणा व s से भाग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा Δ³
और एस साथ में आ जाएगा, और एस गुणा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का मान आएगा हमारे पास डेल्टा स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ से देखें तो यह मान आ जाएगा एस गुणा डेल्टा। अब सम्मिश्र आर वन आर टू को सरल करना है, तो सम्मिश्र आर वन आर टू हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, सम्मिश्र आर वन आर टू आएगा आर वन गुणा आर टू प्लस आर टू गुणा आर थ्री प्लस आर थ्री गुणा आर वन आएगा। तो यहाँ से यदि हम मान रखेंगे तो यह क्या आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर बटे एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक इसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर बटे एस माइनस बी एस माइनस सी, और यहाँ से आ जाएगा प्लस डेल्टा स्क्वायर बट्टे एस माइनस सी गुणा एस माइनस ए, यह मान आएगा। तो इसे हम सरल करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यदि हम इसे सरल करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास डेल्टा स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहाँ से लघुतम आ जाएगा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, और बट्टे में यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एस माइनस सी। ठीक इसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा एस माइनस ए और यहाँ से आ जाएगा एस माइनस बी। तो यदि हम इसे देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर, और यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से यदि हम एस से गुणा व भाग फिर से कर दे तो यहाँ से एस से गुणा हो जाएगा, यहाँ से एस से भाग चला जाएगा, और यह पद हमारे पास डेल्टा स्क्वायर के बराबर लिखा जा सकता है, तो एस बटे डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास तीन एस आ जाएगा, तीन एस माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो बराबर एस होता है, तो यहाँ से यह बराबर आ जाएगा दो एस के, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बटे दो बराबर एस। तो यदि हम इसे सरल करें तो यह हमारे पास s बचेगा, अर्थात s का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर बटे डेल्टा का स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर कट गया s स्क्वायर आ गया। इससे पहले हमने यहाँ से मान निकाला है जो कि s डेल्टा के बराबर है, यहाँ से मान रखते हैं, इसमें मान रखेंगे तो s डेल्टा बटे यहाँ से हमारे पास s स्क्वायर आया, तो s स्क्वायर का अंडर रूट करना है अर्थात s आएगा, तो इसका मान डेल्टा के बराबर आया, डेल्टा अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमारा विकल्प ब भी एक सही विकल्प है। अब विकल्प स की चर्चा करें तो विकल्प सह में हमें दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी है हमारे पास यहाँ से। तो यदि हम यहाँ से मान रखते हैं तो ए स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस दो बी सी कोस ए। ठीक इसी प्रकार बी स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस दो ए सी कोस बी, और ठीक इसी प्रकार हमने सी स्क्वायर लिख देना है, सी स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस दो ए बी कोस सी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, हम सबको जोड़ देंगे अर्थात दो ए स्क्वायर प्लस दो बी स्क्वायर प्लस दो सी स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाएगा दो ए बी कोस सी माइनस दो बी यहाँ से आ जाएगा कोस ए, और यहाँ से आ जाएगा माइनस दो सी कोस बी, यहाँ से सी यहाँ से ए और यहाँ से बी आ गया, बट्टे में आ जाएगा हमारे पास कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी। तो यदि हम यहाँ से सरल करें यह कोट सी आएगा, तो यहाँ से यदि हम सरल करें तो सरल कर हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे यदि हम चार निकालते हैं तो यह मान क्या आ जाएगा एक बट्टे दो यहाँ से, क्योंकि दो तो इसमें आ रहा है, तो दो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एक बट्टे दो बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी सी, बी सी सबसे पहले बी सी लिखा है तो बी सी के साथ है हमारे पास कोस ए, प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी सी कोस ए, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी सी ए सी कोस बी, प्लस यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी कोस सी। अब यदि हम इसे साइन थीटा साइन ए से गुणा कर दें और साइन ए से भाग दे दें तो यह हमारे पास किस में बदल जाएगा, यह हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है बी सी साइन ए से गुणा किया और साइन ए से भाग दिया अर्थात कोस बट्टे साइन अर्थात कोट आ गया, कोट ए आ गया गुणा साइन ए आ गया यहाँ से, प्लस ठीक इसी प्रकार यहाँ साथ ही यहाँ से लिखा जा सकता है साइन बी, और यहाँ से हमारे पास तीसरे पद में आ जाएगा ए बी कोट सी और कोस कोस नहीं माफ कीजिएगा यहाँ से आएगा साइन सी, यह लिखा जा सकता है। तो यह हमारे पास क्या आ गया बी सी गुणा साइन ए, अर्थात इन पदों को लेके हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यह है साथ में गुणा है हमारे पास कोट ए। ठीक इसी प्रकार इसमें एक बटे दो गुणा ए गुणा सी गुणा साइन बी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और कोट भी साथ में है, प्लस यहाँ से हमारे पास एक बटे दो गुणा ए बी गुणा साइन सी त्रिभुज का क्षेत्रफल है और कोट सी साथ में है। तो हम यदि यह मान उसमें रखते हैं तो बट्टे में हमारे पास क्या लगाना है, दिए गए प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो हमें इसमें भाग देना है कोट ए कोट बी, मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, चार हम वज्र गुणा कर देंगे तो यह आ गया हमारे पास चार गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी, और प्रश्न में हमें निकालना क्या है, यहाँ से प्रश्न में हमें यहाँ से निकालना है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे, यहाँ से यदि वज्रगुणा कर लेते हैं तो यह आ जाएगा कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी बराबर, हमारे पास चार गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, अर्थात यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का चार गुना है। तो यहाँ से हमारा यह विकल्प गलत हो जाएगा। तो यह विकल्प गलत होने से अब आखिरी विकल्प की चर्चा करते हैं। आखिरी विकल्प में दिया गया है आर स्क्वायर कोट ए बटे दो कोट बी बटे दो और कोट सी बटे दो। तो यहाँ से आखिरी विकल्प द की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ से हमें दिया गया है आर स्क्वायर गुणा कोट ए बटे दो कोट बी बटे दो कोट सी बटे दो। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को हम आर स्क्वायर कोट ए बटे दो को लिख सकते हैं एस गुणा एस माइनस ए बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल एस माइनस एस बी एस माइनस एस गुणा एस माइनस बी बटे डेल्टा और एस गुणा एस माइनस सी बटे डेल्टा आएगा। तो यहाँ से यदि हम सरल करें तो एस गुणा एस की घात यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी आर स्क्वायर एस की घात तीन आएगी। तो दो तो हम रहने देते हैं और तीन एस गुणा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी को हम लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा डेल्टा का स्क्वायर बट्टे यहाँ से डेल्टा की घात तीन है क्योंकि एस गुणा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी बराबर हमारे पास आएगा डेल्टा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने मान रख दिया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा डेल्टा स्क्वायर से ये डेल्टा कट जाएगा एक डेल्टा बचेगा और आर को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं आर बराबर लिखा जा सकता है डेल्टा बट्टे एस। तो यह आ जाएगा डेल्टा का स्क्वायर बट्टे एस का स्क्वायर गुना बट्टे डेल्टा है यहाँ से तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया डेल्टा से डेल्टा कट गया। तो यह आ गया डेल्टा के बराबर अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ से हमारा विकल्प द भी एक सही विकल्प है। तो इस प्रश्न में विकल्प ए ब और द सही विकल्प है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।